अगर हम इसका देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इस टाइप के थे और 8, 9, 10 सेम इसी टाइप के ही। अगर मैं इसमें से देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 ही हम चेक कर लेते हैं। 10 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 2। अब मैं फ्रॉम 2 सेकंड में अगर x की वैल्यू फाइंड करूं तो देन आएगा 2 ओवर y। ये मेरे पास जो x की वैल्यू आई है ये मैं पुट इन 1 कर देता हूं, टू ओवर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 4 ओवर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 4 प्लस y 4 इक्वल टू 5 y स्क्वायर y 4 माइनस 5 y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास y स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस बी, माइनस बी देखूँ तो वो मेरे पास आएगा 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर लूँगा माइनस 5 का स्क्वायर लूँगा 25 माइनस 4 ए सी 4 ए इज़ 1 एंड सी इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 ए। यहाँ से देखें तो y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5 प्लस माइनस 25 में से मैं 16 माइनस करूँ तो 9, 9 का अंडर रूट लूँ तो 3 ओवर 2। तो सिंप्लीफाई करूँ तो y की एक वैल्यू मेरे पास आ रही है 5 प्लस 3 ओवर 2 और एक y की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 3 ओवर 2 y स्क्वायर की 8 to 4 एंड 2 ओवर 2 1। तो यहाँ से अगर देखें तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। अगर मेरे पास y की ये वैल्यू आई हैं तो x किसके इक्वल है, x है मेरे पास 2 ओवर y के। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ एट y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 पे। सबसे पहले मैं अगर x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, अगर मैं प्लस 2 पुट करूँ 2/2, अगर मैं माइनस 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 2, तो पॉइंट मेरे पास आएंगे 1 एंड माइनस 1। तो अगर मैं पॉइंट देखूँ तो अगर मैं x की वैल्यू x की 1 थी तो y की 2 थी, 1 2 आ गया। अगर x की माइनस 1 थी तो y की माइनस 2 थी, ये दो पॉइंट आए हैं यहाँ से। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगर दूसरी मेरे पास है y स्क्वायर एट y इक्वल टू प्लस माइनस 1, अगर प्लस माइनस 1 पुट करता हूँ तो x किसके इक्वल है 2 ओवर y, यानी एक दफ़ा 2 ओवर 1 आ जाएगा, एक दफ़ा 2 ओवर माइनस 1 आएगा, तो ये 2 आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। इट्स मीन अगर x की वैल्यू 2 आ रही है y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है तो y की वैल्यू माइनस 1 थी, तो ये टोटल 4 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं इसको सिंप्लीफाई करने से। तो इसमें ये इन टू एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.7 और 4.8 में हमने यही किया है कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें।